हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार पिछले कुछ वीडियोस में मेरे कमेंट आ रहे हैं कि भाई अपने इस कीबोर्ड को कैसियो के कोडाना ऐप से हम कैसे कनेक्ट करें। तो यार इस कनेक्शन को हम लोग अपने पिछले वीडियोस में मीडी ट्रांसफर फाइल की वीडियो में देख चुके थे, लेकिन आज इस वीडियो में फिर से देखेंगे स्टार्टिंग से कि कीबोर्ड से अपने कोडाना ऐप को कैसियो के कोडाना ऐप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो यार कोडाना प्ले ऐप एक कैसियो कंपनी की तरफ से बनाया गया ऐप है जो सारे डिजिटल कैसियो कंपनी के सारे डिजिटल कीबोर्ड्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसका यूज करके हम लोग सारे अलग अलग काम कर सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल फाइल कोई अपने कीबोर्ड में भेज सकते हैं, रिमोटली अपनी कीबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, यानी अपने फ़ोन से अपने कीबोर्ड को बजा सकते हैं। ऐसे ढेर सारे काम अलग अलग हम लोग उस कोडाना प्ले ऐप से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कोडाना ऐप को अपने कीबोर्ड से कनेक्ट किया जाए, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कोडाना ऐप को कैसे अपने इस कीबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए, यानी कोडाना ऐप को इस कीबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए हम लोग को मेनली दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो कोई स्मार्टफोन जिसमें कोडाना ऐप सपोर्ट करता हो, जिसमें वो लॉन्च हो सके, और दूसरा ए 3.5 mm मेल टू मेल ऑक्स केबल, ठीक है। तो बस इन्हीं दो चीज़ों से कोडाना ऐप अपने इस कीबोर्ड में चल जाएगा, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास कोडाना ऐप होना चाहिए। तो कोडाना ऐप पाने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन करें और यहाँ पर सबसे ऊपर जाके लिख दे कोडाना प्ले, ठीक है। कोडाना प्ले लिखते ही कुछ इस प्रकार का एक ऐप आ जाएगा सामने, इसको आप इंस्टॉल कर लें। अभी मेरे में इंस्टॉल्ड है इसलिए अपडेट दिखा रहा, मुझे अपडेट करना नहीं है। तो आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद उसका आइकन कुछ इस प्रकार से दिखता है, जैसे यहाँ देखिए कैसी कीबोर्ड बनाओ, नीचे लिखा हो कोडाना प्ले। इसको एक बार टच करेंगे तो लॉन्च हो जाएगा एक ही बार में। अब उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखता है, जैसे देखिए आपके सामने दिख रहा है। अब इसमें देखिए एक कीबोर्ड बना हुआ है, ऊपर की तरफ देखिए एक येलो कलर का यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है। यहाँ से हम लोग सारे इसके सॉन्ग्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे इंटरनल सॉन्ग या मीडी फाइल हो गया, ठीक है। इसमें कोई बैक ऑप्शन बटन काम नहीं करता है, बैक जैसे इसको प्रेस करेंगे देखिए काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो येलो कलर का बैक है सिर्फ यही काम करता है। इसके अलावा इसमें देखिए कुछ सेटिंग्स दी गई है, इससे आप लोग अलग अलग चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे इस कीबोर्ड को अगर हम लोग बजाएं तो देखिए ये बज रहा है ना, लेकिन ये आवाज जो है इस मोबाइल के स्पीकर से आ रहा है, इसलिए ज्यादा तेज सुनाई नहीं दे रहा होगा ना। लेकिन जब हम अपना कनेक्शन बना लेंगे तो ये आवाज कीबोर्ड के स्पीकर से आने लगेगा, जो कि आपको साफ साफ सुनाई देगा तेजी से, ठीक है। तो अब इस ऐप को अपने कीबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्स केबल लेके इसका एक एंड क्या करेंगे अपने फोन के ईयरफोन वाले सेक्शन में लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हेडफोन का जैक है ना, इसमें इंसर्ट कर ली एक एंड इसका। अब एक एंड ऐड करते ही देखिए इसको बजाएंगे तो इसमें से कोई आवाज नहीं आएगा, ठीक। अब इसका जो दूसरा वाला एंड है, जैसे अपने कीबोर्ड के पीछे देखिए ये वाला सेक्शन जो है ऑडियो इन, इस पे लिखा है ना, तो जो दूसरा वाला ऑक्स केबल का एंड है उसको लेके बस इसमें ऐसे इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये इंसर्ट हो गया, देखिए इसमें इंसर्ट हो गया। अब देखिए क्या चेंज होता है। अब ऑक्स केबल को दोनों जगह लगाने के बाद, यानी उसका एक एंड ऑडियो इनपुट में और दूसरा एंड फोन के अपने हेडफोन जैक में, यहाँ लगाने के बाद अब जब इस कीबोर्ड को प्रेस करेंगे मोबाइल से तो अब जो साउंड आएगा, अब जो आवाज आएगा ना, कीबोर्ड के स्पीकर से आएगा, जैसा आप सुन पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अपना फोन जो है अपने कीबोर्ड से कनेक्टेड हो गया, यानी कोडाना ऐप लॉन्च हो चुका है और ये अपने कीबोर्ड से कनेक्ट भी हो चुका है, ठीक है। अब इस कीबोर्ड में इस फोन से आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। जैसे पहला चीज तो ये कर सकते हैं, आप फोन के पियानो को कीबोर्ड के स्पीकर से बजा सकते हैं। दूसरा, इसमें आप मीडी फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा, आप कोई भी सॉन्ग इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं इजिली, ठीक है। वो सब कैसे करते हैं उसके लिए हमने पूरा वीडियो बनाया, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो भाई लोग इसका कनेक्शन बड़ा ही इजी है, यानी हम लोग अपने कीबोर्ड को अपने फोन से यानी कोडाना ऐप से सिर्फ एक ऑक्स केबल की मदद से इंसर्ट करा सकते हैं, उस कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ध्यान ये रखना है कि पीछे जब ऑक्स केबल को इंसर्ट करेंगे तो उसको ऑडियो इनपुट में इंसर्ट करना, ठीक है। अगर उसको हम फोन आउटपुट सेक्शन में 6.5 mm जैक लगा के इंसर्ट करेंगे तो वो सारा काम नहीं हो पाएगा जितना आप इस कोडाना ऐप को यूज करना चाहेंगे, वो सारे काम नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमको ऑडियो इनपुट में इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ऑडियो इनपुट में इंसर्ट कराना है और 6.5 mm का यूज नहीं करना है, बाकी सारे काम अब आप कर सकते हैं। अब इसके इंटरफेस को आप देखिए, समझिए। बाकी अगर आप कहेंगे तो इसके सारे इंटरफेस पे, इस पे सेटिंग पे भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर जो बटन दी गई ना, इसमें से देखिए कुछ सेटिंग्स की बटन, जैसे अगर इस सेटिंग को हम प्रेस करें तो इसमें देखिए ढेर सारा इसका सेटिंग खुल के आ गया ना। इसमें सबसे ऊपर देखिए एक टोन सिलेक्शन दिख रहा है। अब आपको पता ही होगा ये जो कीबोर्ड, इसमें हमको 400 अलग अलग ट्यून्स मिलते हैं ना, तो उसमें से ढेर सारे ट्यून्स हमको इस ऐप के अंदर भी मिल जाएंगे, जिसको ऑप्ट करके हम लोग कोई भी ट्यून अलग सा चाहे बजा सकते हैं। जैसे अगर इसमें से कोई भी हम एक अगर सेलेक्ट करें, जैसे मान लीजिए वायलिन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद बैक आए। अब यहाँ से देखिए कोई भी की प्रेस करें, देखिए वायलिन बज रहा है ना, देखिए हमारा हाथ सिर्फ इसी पे है, तो ये वायलिन का ट्यून बज रहा था। तो ऐसे हम लोग कोई भी ट्यून अपने मोबाइल ऐप के अंदर ही सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने कीबोर्ड के स्पीकर से बजा सकते हैं, ठीक है भैया। ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारे काम हम लोग इस ऐप से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कनेक्शन का वीडियो समझ में आया हो।